अमित शाह ने सेंट्रल जेल भोपाल पहुंचकर 3 करोड़ की लागत से बने नवीन आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा भी मौजूद रही। केंद्रीय जेल में प्रहरियों के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा, जेल विभाग में सराहनीय और प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रहरियों को प्रशस्ति चिन्ह दिए जाएंगे। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के जेल में कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि बंदी उन्हें सुन के और उनका अनुभव ले सके। जेल का कोई भी कर्मचारी बिना आवास के न रहे, यह हमारी कल्पना है। आने वाले 2 से 3 साल में सर्व सुविधा युक्त आवास बनाएंगे, जिसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए कई सुविधाएं होंगी। जेल में चल रहे कार्यक्रम में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने केंद्रीय जेल में गैस त्रासदी में मृत और कोविड के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उनकी कार्य को, उनकी वीरता को आज सम्मानित किया है। मैं स्वयं भी गौरवान्वित हुआ हूँ कि हमारे जेल विभाग के कर्मचारियों में उनका उत्साह वर्धन करने मेरी बहन भोपाल सांसद प्रज्ञा जी भी साथ थी। उन्होंने अभी अपने जेल के अनुभव शेयर किए। आज मैंने जो जेल प्रहरियों की नियुक्तियाँ 282 किसी कारण से टल गई थी, 11 से 24 तक 17 तारीख छोड़ के उनका रोज एग्जामिनेशन है और वो भर्ती इसी दिसंबर के महीने में इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। जो हमारी त्रिपाठी जी नहीं रहे थे हमारे बीच में, उनके लिए भी उप अधीक्षक के हमने प्रस्ताव सरकार को भेजने का आग्रह तय किया है। आज जो जेल में भवन निर्माण हुआ है उसमें उनकी जो जेल के विभाग की जो भी योजना है, जिनको रखने की भी है, स्थान का अभाव हो रहा था, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार उसका निर्माण किया गया। उसके उद्घाटन के लिए सभी हमारे माननीय अतिथिगण आए, माननीय जेल मंत्री नरोत्तम जी आए और मुझे अवसर मिला कि जो भी उत्कृष्ट कार्य अपनी सेवाओं में दिए हैं उनको सम्मानित कर सके। और सबको सम्मानित करने से हम स्वयं सम्मानित होते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं और वो आज हमें हुआ। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री